ये है पहाड़ी फल जिसको हम बेड़ू बोलते हैं। ये है हमारे कतियूर देवता का मंदिर। तो कुछ रील बना लेते हैं। ले ली कोक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पलक मैंने यहाँ दिखा रही, स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मतलब 9 बज गए हैं, 9:30 हो गए हैं और हम पहुँच गए अपने घर। तो आज हमको ये मिल रखा है, ये होता है गंगा दशहरा द्वार पत्र। इनको आज चिपकाना पड़ता है अपने दरवाजे के ऊपर, क्योंकि चिपकाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, ये यहाँ का रिवाज होता है। तो दोस्तों ये हैं गंगा द्वार पत्र। तो ये देखो यहाँ पे मैंने चिपका दिया अपनी सबसे बड़े उसमें। ये है हमारा सबसे बड़ा दरवाजा। ये आ गए हैं दो शेर। देखो मोबाइल रखने वाला नया डिजाइन का है, नया डिजाइन का है। पैमा अब जाने लगी है, हिटोमा पहुंचा रही मी। हम यहाँ पे अपनी बुआ को पहुंचाने आ गए हैं और ये मेरी दीदी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का खाना भी बन गया है और आज है यहाँ पे पूरी आलू और दही। तो खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अब मैं जा रही हूँ पिंकिन के यहाँ घूमने। पिंकिन के यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे बैठा नीलू। तो दोस्तों ये है सेठ बखई, आप लोगों ने देखा ही होगा। वो सामने मेरी दोस्त जा रही है शर्मा के, सीधा अंदर जाएगी देखना अभी। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ पिंकी उनके घर में। और पिंकी को देखो यहाँ पे सोई है, कैसे सोई है ये अब। और मेरे से क्यों लेना मत बोल, मैं सगा डायलॉग उसका यही हुआ, मेरे को मत लेना। फिर भी इसने आ जाना हुआ मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली अभी शाम के बज गए हैं 4 और अभी हम लोग जाने वाले हैं, घूमने भी जाने वाले हैं और छाना भी जा रहे हैं, क्योंकि छाना मतलब जहाँ हम गाय भैंसों को बांटते हैं वहाँ पे अभी पानी रखने जाना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का, सैर कराते हैं यहाँ के कैसे पर्वत है, कैसे पहाड़ है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा हर्षुली, मेरा हर्षुली है ये हर्षुली। ये भी पता नहीं कैसे हो गया पीयूष की तरह सेम टू सेम। दोस्तों अब मैं जाने लगी अपने छाना पानी रखने, क्योंकि जो हम लोगों ने वहाँ पे हमारे जानवर हैं उनके लिए पानी लेके जाना है। तो चलती हूँ, मम्मी चली गई हैं और ये लोग आ रहे हैं पीछे से, उसके बाद जाएंगे हम लोग घूमने। तो दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो देखो हमारा हर्षुली कितना काम करता है, सब आता है इसको। ये देखो हुआ ना एक काम काज इंसान। ये अब शर्मा जाएगा थोड़ा देर में। ये देख रमदा, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है पिरूल। ये जो ये पिरू होता है इसको हम गाय भैंसों के नीचे बिछाते हैं, उनके लिए बिस्तर लगाते हैं। और ये भी है, इसको पराव बोलते हैं। ये बनता है धान का, जो धान का बच जाता है उसको बोलते हैं इसको पराव। तो दोस्तों ये है पहाड़ी फल जिसको हम बेड़ू बोलते हैं, देख सकते हो आप। देखो तो ये बोल तो पहला हमारा हर्षु। मैं चाची चौल बताई जी, हम लोगों को दे रही है अंगूर। पाकी पाकी दियो पे तो हम बाली हरी हूँ। दादा पहला आज तो हमें पहाड़ी पहाड़ी फल मिल रहे हैं। ये मैं चाची चौल ये डॉली दी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, बोल रहे कि ये किसका बेटा है। ना हर्षु को कोई पहचान रहा है, ना रुद्र को भी पहचान रहा है, ना बेला। तो दोस्तों ये है हमारा गांव। अभी हम आ गए मल्ली वाकली में और हम रहते हैं तल्ली वाकली में। तो यहाँ से चलते 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 बहुत ऊपर जाना है अभी हमने, डेस्टिनेशन पॉइंट हमारी बहुत। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे इतने सारे बेड़ू पके हुए हैं, इतने बड़े बड़े। हम अपने गांव के सबसे टॉप जगह आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। वो सामने दिख रहा है ना, वो सबसे टॉप है। तो वहाँ पे हम लोग को जाना है और हमारा गांव है वो नीचे को।
और ये देखो ये दो आ रहे हैं आराम से टहलते टहलते। दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ये है हमारे कत्यूर देवता का मंदिर। तो यहाँ की कहानी भी बहुत लंबी चौड़ी है, आपको बताती हूँ यहाँ की कहानी। यहाँ पे हम लोगों के 9 लाख कत्यूर देवता रहते हैं। वहाँ पे हमारे 9 लाख कत्यूर देवता का मंदिर, और वो जो सामने गांव है वहाँ पे है, वहाँ पे मतलब जो गांव है वहाँ पे हरजू देवता रहते हैं। वहाँ पे हरजू देवता की धुनी दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर दिखा तो ये सामने है, यहाँ पे है हरजू देवता की धुनी। और यहाँ पे देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। ये हमारे गाँव का सबसे टॉप हिस्सा है, तो देखो यहाँ पे ये सब चढ़े हैं टैंकी के ऊपर, और इसको देखो। तो यहाँ पे दीदी बोल रही है कुछ रील बना लेते हैं, तो दीदी रील वो कर रही है, ढूंढ रही है अपने लिए। तब तो मैं यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। वो है हम नीचे हमारा गांव, और हम आ गए सबसे ऊपर पहाड़ों में। ये है हमारे वहाँ के पहाड़, पहाड़ नहीं बोल सकते इनको, पठार बोल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो बस आपको गोपेश्वर में ही जोशीमठ साइड को देखने को मिल सकते हैं, यहाँ को बस पठार होते हैं। तो कुछ रील बना लेते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी। तो देखो मामा और भांजा, और एक ये है, और यहाँ पे फोटो शूट चल रही है अब, और रील भी बना रहे हैं। वो सामने देखो सनसेट हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का आज। हम लोग जा रहे हैं, मेरी एक दोस्त है हर्षिता अधिकारी, उसके घर में चोरी करने जा रहे हैं, चोरी। तो इनके यहाँ पे अंगूरी हो रखे हैं, फूलम हो रखे हैं, ये देखो। तो इन फूलमों को फटाफट गाइस देखो, ये है फूलम, इतने अच्छे अच्छे से हो रखे हैं। ये है बहुत कामकाज इंसान, देखो कैसे चढ़ रखा है पेड़ में। जिन्हें हमको इतने सारे पूलम दे दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको पूलम खिलाने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पूलम भी तोड़ लिए हैं, और इतने सारे पूलम तोड़ रखे हैं ना, आपको क्या बताऊँ, घर जाके दिखाऊंगी हम लोगों ने कितने सारे पूलम तोड़े। और तोड़ने वाला हमारा ये है, ये बहुत अच्छा है, पेड़ में भी चढ़ता है, सब काम करता है, पर रहता है नहीं, ये रहता है दिल्ली में, इसलिए हमको बहुत याद आने वाली है इसकी। आपको पूलम यहाँ के खट्टे मीठे से हो रहे हैं ना गाइस, देखो इतने अच्छे अच्छे पूलम हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत मीठी मीठी से हैं। ये देखो गाइस हम लोग जा रहे हैं बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, चलते हैं दुकान, इनके लिए कुछ ले आते हैं। लोगों ने इतना परेशान कर दिया ना हम लोगों को सच्ची में ना, वो ऊपर पहाड़ी से टॉप से यहाँ पे नीचे आ गए हैं, और रुतु को देखो तो फटाफट जा रहा है, ये ले रहे हैं चीज, और हर्षो मिली, और हमने ले ली कोक। मुझे मेरी ताई जी मिल गई है, चोरी कर रही है चोरी। तो दोस्तों इनको देखो, डॉली दी हो गई है परेशान बच्चों के साथ, हम इतने ऊपर गए थे और वहां से इनको लेके आ रहे हैं, पर ये आ नहीं रहे फटाफट से। और रुद्र को देखो क्या हो गया, रुद्र क्या पी रहे हो तुम, पेप्सी? पेप्सी बोलते इसको, मैं पी लूं? नहीं। क्यों? मैं पी लूं ना। ओके ठीक है। और ये दीदी आ रही है इस छोटे से अपने पुत्र को लेके। तो देखो चाची ने अकेले कितने सारे गाय भैंस पाल रखे हैं, ये देखो कितने शर्म, तुमको शर्म की ही आ रहा है। ओ, जैसे हम यहाँ पे आए हमारे पास आ जाता है ये हमारा पतलू सिंह। अभी हम लोग पहुँच गए घूम के घर में, और बस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए नेहा अधिकारी ब्लॉग्स।